हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पैसिव वॉइस के विषय में अध्ययन करें। इसके पहले वाले वीडियोस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इतने की पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है उसको बताया जा चुका। यहां पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस से शुरू कर कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर वाक्य हो तो उसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। आप जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य लिखने के लिए विल है और शैल हैव लिख करके एक्टिव वॉइस से मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। लेकिन वही वाक्य जब पैसिव वॉइस में आता है तो विल हैव और शैल हैव के साथ बीन जोड़ दिया जाता है तो हो जाती है सहायक क्रिया विल हैव बीन, शैल हैव बीन। आई और वे दो के साथ शैल हैव बीन, बाकी सबके साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। बाकी सारे नियम पहले जैसे ही है। जैसे सूर्यास्त के पूर्व पौधे सींचे जा चुके होंगे, सूर्यास्त से पूर्व पौधे सींचे जा चुके होंगे, द प्लांट्स विल हैव बीन वाटर, the plants will have been watered before sunset। यह पुस्तक कल तक पढ़ाई जा चुकी होगी। this book will have been taught by tomorrow, कल तक। नदी तक शत्रु के पहुंचने से पहले पुल नष्ट किया जा चुका होगा। the bridge पुल विल हैव बीन डिस्ट्रॉयड, पुल नष्ट किया जा चुका होगा। द ब्रिज विल हैव बीन डिस्ट्रॉयड, नष्ट किया जा चुका होगा। बिफोर द एनिमी रीचेज द रिवर, बिफोर द एनिमी रीचेज द रिवर। फिर सुनिए, द ब्रिज विल हैव बीन डिस्ट्रॉयड, पुल नष्ट किया जा चुका होगा। बिफोर द एनिमी रीचेज द रिवर, शत्रु के नदी तक पहुंचने के पहले। हमसे बात करने से पहले तुम्हें जेल नहीं डाला जा चुका होगा। You will not have been imprisoned। तुम्हें जेल नहीं भेजा जा चुका होगा। हमसे बात करने से पूर्व तुम्हें जेल दे, यू विल नॉट हैव बीन इम्प्रिजन्ड, बिफोर यू टॉक टू अस, बिफोर यू टॉक टू अस, जब तक तुमसे हमारी बात नहीं होगी। क्या आपके पहुंचने से पहले सांप मारा जा चुका होगा? मारा जा चुका होगा। विल द स्नेक हैव बीन किल्ड बिफोर यू रीच देयर, विल द स्नेक, क्या सांप हैव बीन किल्ड बिफोर यू रीच देयर, तुम्हारे वहां पहुंचने के पहले। विल द स्नेक हैव बीन किल्ड बिफोर यू रीच देयर, क्या गुरुजी के आने से पहले पत्र नहीं लिखा जा चुका होगा? विल द लेटर नॉट हैव बीन रिटन, विल द लेटर नॉट हैव बीन रिटन बिफोर द टीचर कम्स, ग्रीष्म ऋतु आरंभ होने से पहले फसल कट चुकी होगी। ग्रीष्म ऋतु आने से पहले फसल कब कट चुकी होगी? क्वेश्चन वर्ड है व्हेन विल द क्रॉप हैव बीन रिट, When will the crop have been ripped? Before the summer season sets in,
कल रात्रि तक उसे फांसी क्यों नहीं मिल चुकी होगी? वाई विल ही नॉट हैव बीन हैंग्ड, वाई विल ही नॉट हैव बीन हैंग्ड बाय टुमारो नाइट कल। अब इसका नियम क्या है? अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव में आया हो, असर्टिव अफर्मेटिव, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसका रूप सब्जेक्टिव फॉर्म होगा। विल हैव बीन लगाई और शैल हैव बीन लगाई, आई और वी के दो के साथ शैल हैव बीन, बाकी सब के साथ विल हैव बीन, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का थर्ड फॉर्म। फिर बाय और सब्जेक्ट आएगा पैसिव वॉइस में, और अन्य शब्द हम उसके बाद लिखे जाएंगे। दूसरा, असर्टिव सेंटेंस अगर निगेटिव में आया है तो ऑब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद नियमानुसार विल एव शैल में लगाइए, फिर नॉट लगाइए, तब हैव बीन, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर बाय प्लस सब्जेक्ट पैसिव में, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विथ क्या, हिंदी के क्या से शुरू होने वाले प्रश्न का पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं? सबसे पहले विल और शैल लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लिखिए, और फिर हैव बीन लगा करके थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया जाता है, और फिर बाय प्लस सब्जेक्ट पैसिव, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में, अदर वर्ड्स। चौथा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ क्वेश्चन वर्ड इन बिटवीन, यानी ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसके बीच में प्रश्न सूचक शब्द कौन कहां कैसे इत्यादि आया हुआ हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखे, फिर विल शैल में नियमानुसार लिखे, फिर ऑब्जेक्ट लिखे। सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद लिखे, फिर हैव बीन और तब वर्ब थर्ड फॉर्म लिखे, और फिर बाय सब्जेक्ट पैसिव वॉइस अदर वर्ड्स। अब आइए इंपरेटिव सेंटेंस, अगर आज्ञा सूचक वाक्य दिया गया हो पैसिव में, उसकी पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं? निर्दोष को मुक्त किया जाए, लेट द इनोसेंट बी रिलीज, निर्दोष को मुक्त किया जाए, लेट द इनोसेंट बी रिलीज, भिखारी को यहां से भगा दिया जाने दो, लेट द बेगर बी ड्राइवन अवे फ्रॉम हियर, लेट द बेगर बी ड्राइवन अवे फ्रॉम हियर। तीसरा, किसी का अपमान न किया जाए, लेट नो बॉडी बी इंसल्टेड, लेट नो बॉडी नो इंसल्टेड, वही एक्टिव में बनाते तो डू नॉट इंसल्ट दी, डू नॉट इंसल्ट एनी बॉडी। चौथा, आपसे बैठने का निवेदन किया जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। दरवाजा खोल दो एक्टिव में, एक्टिव पैसिव दोनों बनाइए, ओपन दे दो और दरवाजा खोल दो, लेट दी डोर बी ओपन, दरवाजा खोल दो ओपन दी डोर, और पैसिव वॉइस लेट दी डोर बी ओपन, मुझे अपना दांत दिखाओ, शो मी योर टीथ, शो मी योर टीथ, अपना दांत मुझे दिखाओ, लेट योर टीथ बी शोन टू मी, लेट योर टीथ बी सून टू मी, गरीबों से घृणा मत करो, डू नॉट हेट दी पुअर, डू नॉट हेट दी पुअर, लेट दी पुअर नॉट बी हेटेड, लेट दी पुअर नॉट बी हेटेड। आपसे वहां जाने को, उससे वहां जाने को कहो, टेल हिम टू गो देयर, उससे वहां जाने को कहो, टेल हिम टू गो देयर, या लेट हिम Be told to go there. Let him be told to go there. कृपया बैठ जाइए, Please sit down. या you are requested to sit down. Rules. Sentence में अगर object आया हो, Please kindly learn लगाओ, sentence में object आया हो तो सबसे पहले let अपनी तरफ से लगाइए, फिर object लिखे, फिर be लिखे, verb का third form लिखे, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर, तब बी, तब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यही
एक्टिव से पैसिव में जब ग्रामर में आप देखेंगे उलट के तो ये चीजें आपको वहां मिलेंगी। सेंटेंसेस हैविंग रिक्वेस्ट, अगर कृपया इत्यादि हिंदी में आया है यानी अंग्रेजी में प्लीज काइंडली आया है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाने के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेंटेंसेस हैविंग एडवाइस नो ऑब्जेक्ट, अगर सलाह प्रस्तुत करने वाला वाक्य है लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप लिखिए यू आर एडवाइज टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यू आर एडवाइज टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और लास्ट है सेंटेंसेज हैविंग ऑर्डर नॉट ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा वाक्य जिसके द्वारा आदेश दिया गया हो लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए तो यू आर एडवाइज या यू आर ऑर्डर्ड ज्यादा बेहतर रहेगा कि यहां लिख दिया जाए यू आर ऑर्डर्ड टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। इस तरह से आपने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव कैसे बनती है और अगर इंपरेटिव सेंटेंस आया है तो उसकी पैसिव वर्ब किस प्रकार से बनाई जाती है। थैंक यू।